एक तरफ किसानों को भड़काने की साजिश तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जितेंद्र भोई जी। एक तरफ किसान बिल के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध का षड्यंत्र तो दूसरी तरफ इसी बिल से आम किसान को मिलता उसका हक। एक तरफ किसानों की आड़ में देश की राजधानी को पैरालाइज करने की चाल तो दूसरी तरफ किसान बिल का सच। तीनों नए किसान बिल किस तरह से किसान की ताकत हैं, इसका उदाहरण पेश किया जितेंद्र भोई जी ने। जितेंद्र भोई जी ने मक्का की खेती की थी। अच्छे दाम पाने के लिए उन्होंने फसल को एक व्यापारी को बेचने का फैसला लिया। 3,32,000 रुपये का पेमेंट तय हुआ था। 25,000 रुपये उन्हें एडवांस के तौर पर मिल गए और बाकी पैसा 15 दिन में चुकाने की बात हुई थी, लेकिन उन्हें बाकी पेमेंट नहीं मिला। अब नए कानून के हिसाब से फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना अनिवार्य है। ऐसे में जितेंद्र ने इसी कानून का सहारा लेकर शिकायत की और चंद दिनों में उन्हें उनका बकाया मिल गया। जिस कानून के नाम पर किसानों को भड़काया जा रहा है वही जितेंद्र की ताकत बना। ये तो एक छोटी सी मिसाल है जिसका उदाहरण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में दिया है। लाखों किसान अपने अपने तरीकों से इन तीनों कानूनों का इस्तेमाल कर अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं।